हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि मेजर टेप में एमएम का किस प्रकार से देखा जाता है। जैसे कहीं पे भी अपना मेजरमेंट आ गया एमएम में, तो एमएम में किस प्रकार से देखेंगे मेजरमेंट में और किस प्रकार से उसको यूज़ करेंगे। जैसे ये सामने टेप देख रहे हो, ये 14 फिट लंबी निकलती है, उस प्रकार से टेप है। और जैसे यहाँ पे एमएम जो रहता है वो नीचे की लाइन में रहता है यहाँ पे, और जो इंच रहता है वो ऊपर की लाइन में रहता है। तो अपने आज ये एमएम के बारे में जानेंगे कि एमएम किस प्रकार से देखा जाता है। जहाँ यहाँ पे जैसे 10 लिखा हुआ है तो ये 100 mm हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 200, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो यानी 200 mm, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 100 mm हो गया। और जो बीच में यहाँ पे पॉइंट बन गया तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, यानी यहाँ 100, 100, 200 हो गया। तो बीच वाली जो लाइन रहती है अंदर अंदर, ये पूरी नीचे की पट्टी पूरी एमएम में रहती है। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ था 200 mm, और 30 लिखा हुआ था 300 mm, 40 लिखा हुआ है तो 400 mm, इस प्रकार से होता है। जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, पहले एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं कि किस प्रकार से देखते हैं। जैसे अपना मेजरमेंट दिया हुआ है कि 220 mm, 220 mm बाई 430 mm या 435 mm, वो आपको मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे भी देता चाहूँगा साथ में। जैसे ये 220 mm हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 200 हुआ, 10 और 20, यानी ये 220 हो गया। अभी यहाँ पे हुआ कि 430 mm, यानी 400, 10, 20, 30, यानी 430 mm। यानी अपने आज एमएम की बात करने वाले हैं, यानी ऊपर की साइड में हो गया इंच का। अभी जैसे अपना लंबा माप हो गया, जैसे 1250 mm, तो 1250 mm में तो आपको यहाँ पे लंबा निकालना पड़ेगा टेप। ये हो गया 1000, 1100 और 1200, ठीक है, यहाँ पे 1200 हो गया, और ये हो गया 1250, यानी 10, 20, 30, 40, 50, यानी 1250। अभी जैसे अपना मेजरमेंट आ गया कि 1250 बाई 1470, 1470, यानी अपने सीधा ही सीधा 1000 पे चले गए। 1000 पे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो यानी 1000 हो गया, 1000 mm, यानी 1450 हुआ, 1460 हुआ तो ये हो गया सीधा 1460 यहाँ पे। अभी जैसे अपना बिल्कुल छोटा मेजरमेंट रहता है कि जैसे 105 mm, तो यहाँ पे ये 100 हो गया, और फिर इसमें छोटी छोटी लाइनें बनी रहती है, यानी दो यहाँ पे अक्सर रहता है, एक और दो इसके बीच में 10 लाइनें बनी हुई है। तो 105 हुआ तो यहाँ पे 100 हो गया, फिर यहाँ पे 5 5 पॉइंट पे आएंगे तो 105 हो जाएगा, और सीधा फिर 5 चले जाएंगे तो ये हो गया 110। यानी इस प्रकार से जैसे अपना मेजरमेंट छोटा रहता है तो छोटे के हिसाब से देख लेंगे, और लंबा रहेगा तो लंबे के हिसाब से देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, यदि कहीं पे भी मेजरमेंट देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।